नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज और तालीम अब पुलिस गिरफ्त में हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पहले पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों को गोली भी लगी। अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी नेता इसे सरकार की नाकामी छिपाने का जरिया बता रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूपी में एनकाउंटर हुए हों और पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल न उठ रहे हों। आज इस वीडियो में हम आपको 5 सबसे बड़े चर्चित एनकाउंटर्स के बारे में बताएंगे जिस पर जमकर सवाल उठे थे। विकास दुबे, यूपी का सबसे चर्चित एनकाउंटर विकास दुबे का था। इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। दरअसल 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकड़ू गांव में विकास दुबे ने अपने गुड़गों के साथ छापा मारने गए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 9 जुलाई को विकास उज्जैन में पकड़ा गया। अगले दिन कानपुर लौटते समय भौंती में उसने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। विकास पर 5 लाख रुपये का इनाम था। असद अहमद माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की मुठभेड़ में हुई मौत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। असद अहमद और शूटर गुलाम अप्रैल 2023 में झांसी में मारे गए थे। यूपी एसटीएफ ने बाइक पर हुलिया बदलकर भाग रहे असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी। असद बाइक भागा रहा था और पीछे बैठे गुलाम ने एसटीएफ पर पहली गोली दागी। चेतावनी के बाद भी वो ना माने और उनकी तरफ से दनादन गोलियां चलाई जा रही थीं। फिर क्या, गोलीबारी का जवाब गोली से दिया गया। 42 राउंड की फायरिंग के बाद 3 गोलियां यूपी एसटीएफ की बंदूक से निकली और असद के साथ गुलाम का सीना चीर गई। ये दोनों कुख्यात बाइक समेत जमीन पर धराशायी हो गए। मंगेश यादव, सुल्तानपुर के चर्चित डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस मामले में काफी राजनीति हुई थी। विपक्ष ने मंगेश को यादव होने के नाते मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप लगाया था। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी पुलिस जाति देखकर कार्रवाई नहीं करती। मंगेश डकैती के 11 आरोपियों में से एक था। अनुज सिंह, सुल्तानपुर सराफा डकैती के मामले में ही मंगेश यादव के बाद इसी साल सितंबर में एसटीएफ ने अनुज सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान एक साथी भागने में सफल रहा था। अनुज की मौत पर उसके पिता ने ये आरोप लगाया था कि मंगेश के एनकाउंटर पर हुई राजनीति की वजह से मेरे बेटे की जान ली गई। अगला नाम है मंसूर पहलवान का। डकैती, लूट और हत्या जैसी वारदातों में वांछित मंसूर पहलवान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। खास बात यह है कि 2017 में सरकार बनने के बाद पहला एनकाउंटर मंसूर पहलवान का ही हुआ था। वह कुख्यात काला मुकीम गैंग के नाम से काम करता था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 25 मार्च 2022 को दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाओं में लगभग 51 अपराधी मारे जा चुके हैं। वहीं सीएम योगी के पहले कार्यकाल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ की घटनाओं में 158 अपराधी मारे गए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।